देखिए पहली बात तो ये कि हम कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी जायज मांगों को मंगवाने के लिए यहाँ पर सीएमओ ऑफिस में इकट्ठा हुए हैं। हमारी जायज मांगे हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे भविष्य के लिए एचआर पॉलिसी लागू होनी चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि ठेका प्रथा समाप्त होना चाहिए। और चौथी मांग हमारी ये है कि आशा बहुओं को मानदेय मिलना चाहिए, कम से कम 10,000 रूपए उनको मानदेय होना चाहिए। तकरीबन कितने संविदा कर्मचारी हैं पूरे जिले में? हमारे जिले के अंदर तकरीबन 500 संविदा कर्मी हैं जो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट को दे रहे हैं और बड़ी मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं। मेरा नाम सुनैना अरोड़ा है, मैं आरएनटीसीपी की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक टीबी कार्यक्रम है, जो कि पिछले 21 वर्षों से संविदा पे चल रहा है। मेरा सरकार से ये पूछना है, आखिर अस्थायी काम की क्या परिभाषा है? 21 सालों तक चलने वाला कार्यक्रम क्या अस्थायी कार्यक्रम होता है? चलिए अस्थायी भी कार्यक्रम है, मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगी, माननीय श्री राजनाथ सिंह ने चुनाव से पूर्व ये वादा किया था हम कर्मचारियों से कि सरकार सत्ता में आएगी तो अधिकार हमको हमारा देगी। अब आप जानते हैं कि सरकार बने कितना समय हो चुका है, हम हर दरवाजा खटखटा चुके हैं। अब मेरा सरकार को पूरे उत्तर प्रदेश के 75,000 एनएचएम कर्मचारी, 2,00,000 आशा बहनों की तरफ से ये संदेश है कि अगर सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम कम से कम 50,00,000 रोगियों में अपनी पकड़ रखते हैं और स्वयं में करीब 2.75 लाख कर्मचारी हैं। हम रोटा का बटन दबाएंगे, हम किसी सरकार को वोट नहीं देंगे। वादा खिलाफी की हमारी तरफ से सरकार को जवाब मुका बना करते हैं।